हाय फ्रेंड्स, आरजे मधुरा हियर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक वर्ड ऑफ ओमेन की, वो है टचवुड। आप देखेंगे आपके आसपास, आप खुद भी कई बार जाने अनजाने टचवुड कर देते हैं। जब आपकी कोई तारीफ करता है या जब आपको कोई अच्छी बात बोलता है तो आपका एक स्पॉन्टेनियसली हाथ वुड की तरफ जाता है, आप उसे नॉक कर देते हैं या टच कर देते हैं। अब दोस्तों, इसका ओरिजिन तो किसी को नहीं पता, लेकिन अलग अलग देशों में टचवुड बोला जाता है। अब जैसे अरब में बोलते हैं इम सेकल खासअप, ब्राजील में इसे बोलते हैं बेतरना मदीरा, ग्रीस में इसे बोला जाता है चित पाजिलो। तो आप देखते हैं कितनी रेसेस इसे मानती है, तो हम ये सोच सकते हैं कि जरूर इसमें कोई बात होगी। अब माने या ना माने वो हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर हम इसे मानते हैं, इसे बोलते हैं, तो क्यों ना सही तरीके से इसे फॉलो किया जाए। दोस्तों, जब आपको कोई तारीफ करता है या अच्छी बात बोलता है, आपने जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप टच करते हैं वुड को। पहली बार आप इसलिए टच करते हैं कि आप उसमें बसी अच्छी आत्माओं को, अच्छे स्पिरिट्स को, एंजल्स को, परियों को रिक्वेस्ट करते हैं पहली बार टच करके कि मुझे नजरे बद से बचा के रखना, हर बुरी नजर से बचा के रखना। और दूसरी बार आप इसलिए टच करते हैं कि आप उसे एडवांस में थैंक्स बोलते हैं। तो ये प्रोसेस को दो बार किया जाता है। अगर आप एक बार करते हैं तो बेहतर है आप दो बार करें। पहली बार आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी बार आप उसे थैंक्स बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप हर वुड को नहीं पकड़ सकते या टच कर सकते टच वुड बोलने के लिए। ऐसा माना जाता है जो लकड़ी फर्निश्ड हो, जो जहां आसपास लोग बसे हैं, जिसका फर्नीचर बना हो या जिसमें फर्निशिंग हुआ हो, ऐसी लकड़ी को टच वुड किया जाता है। क्योंकि कुछ लकड़ियों को ऐसा माना जाता है कि उसमें इविल बसते हैं, बुरी आत्माएं बसती हैं, बुरी शक्तियां बसती हैं, उसे आप टच करेंगे तो आप पे उल्टा असर हो सकता है। तो जो भी जंगली लकड़े हैं या पीपल का पेड़ है, आप उसे कभी टच करके नहीं बोलते, क्योंकि उसके बारे में मान्यताएं अलग है। तो मैंने ये सोचा कि अगर आप ये करते ही हैं तो क्यों ना सही तरीके से करें, उसे गलत तरीके से ना करें। तो दोस्तों, आज हमने बात की है टच वुड की। दोस्तों, मेरे चैनल के प्रति आपका जो भी आपकी बनती है सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर, कमेंट्स, वो जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। यही नहीं, आपके मन में अगर कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना पसंद करेंगे, आप जरूर कमेंट में लिखिए, मैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाकर आपको दूंगी। आज के लिए इतना काफी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा, लव यू ऑल, मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ बेटर टॉपिक। बाय, सी यू।